हेलो फैमिली, चलिए आज बनाते हैं स्प्रिंग अनियन, बोले तो हरे प्याज की सब्जी। तो सबसे पहले हरे प्याज को अच्छे से धुल लेंगे और इसके साथ हमको आलू डालना है, तो आलू को भी छील करके अच्छे से धुल लेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे और थोड़ी जीरा डालेंगे, थोड़ी हींग, थोड़ी हरी मिर्च, हरा लहसुन। बस इसके बाद आलू को डाल करके हम अच्छे से उसको फ्राई हो लेने देंगे। जब हमारा आलू अच्छे से सुनहरा हो जाएगा और अच्छे से पक जाएगा, तो यहाँ पर हम डालेंगे लाल लाल टमाटर। आपको जितनी डालनी है डाल लीजिए, मैंने यहाँ पर एक डाला है। और नमक हम आलू के साथ ही डाल दिए थे ताकि आलू अच्छे से फ्राई हो जाए। टमाटर डालने के बाद हम डालेंगे बेसिक मसाले। बेसिक मसाले बोले तो हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और रेगुलर जो आप सब्जी में मसाला डालते हो, या फिर आप चाहो तो थोड़ा सा गर्म मसाला यहाँ पर डाल लो। बस मसालों के बाद हम डालेंगे अपना हरा भरा सा स्प्रिंग अनियन। स्प्रिंग अनियन डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम लीड लगा देंगे और बीच बीच में हम उसको देखते रहेंगे ताकि हमारा जो सब्जी है वो जल ना जाए। और ऐसा हम 2 से 5 मिनट तक करेंगे। इसके बाद से हम लीड को हटा करके 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही स्लो फ्लेम पे भून लेंगे। अच्छा, स्प्रिंग अनियन की सब्जी बनाना बहुत ही आसान है, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और आपको भूख लगी हो ना तो रोटी या फिर पराठे के साथ खाइए, बहुत यम्मी लगती है। भाई मुझे तो लगी है बहुत तेज से भूख, मैं चली खाने। रेसिपी देखने के बाद आपको भी हरा प्याज की सब्जी खाने का मन कर दिया हो तो जाइए फटाफट से मार्केट और लेकर आइए स्प्रिंग अनियन। बनाइए और एक बार ट्राई करिए मेरे तरीके से और खाइए, उसके बाद मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।